अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मई जहांआरास किचन। आज हम बनाएंगे एग चाउमीन की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब सा आएगा आप लोगों को। और अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एग चाउमीन की रेसिपी। चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें नूडल्स को उबाल कर तैयार कर लेते हैं। स्टोव के हाई फ्लेम पर मैंने एक पैन रखा हुआ है और उस पर हम 4 ग्लास के करीब पानी डाल लेते हैं, क्योंकि हमें 150 ग्राम नूडल्स को उबालना है। पानी में हमें 1 छोटी चम्मच के करीब तेल डाल लेना है। नूडल्स बॉयल होने के बाद एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। तो चलिए अब हम इस पैन को लीड से ढक लेते हैं और पानी के उबलने का इंतज़ार करते हैं। और अब हमारा पानी जो है उबलने लगा है। अब हम यहाँ पर 150 ग्राम के करीब नूडल्स को डाल लेते हैं और इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेना है। 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब हमारा नूडल्स बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे पानी से छान लेते हैं। चाउमीन के लिए नूडल्स तैयार है। अब हम अंडे का भुर्जी बना लेते हैं, यानी हम अंडे को पहले खरल कर निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई रखी है स्टोव पर और स्टोव का फ्लेम हमें मीडियम टू लो पर ही रखना है। कढ़ाई के गर्म होते ही हमें यहाँ पर 2 चम्मच के करीब तेल डाल लेना है, रिफाइंड ऑयल। और तेल के गर्म होते ही हमें 1/2 छोटी चम्मच कुट्टा जीरा यानी साबुत जीरा डाल लेना है। जीरा डालने के 2-3 सेकंड के बाद अब हम यहाँ पर 1 मीडियम साइज के प्याज को काट कर डाल लेते हैं और प्याज को हमें हल्का सा नर्म करना है। प्याज हल्का सा नर्म होते ही हमें इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेना है और इसे भी हमें 2-3 सेकंड के लिए प्याज के साथ भून लेते हैं। 2-3 सेकंड के बाद अब हम यहाँ पर 3 अंडे को डाल लेते हैं। मैंने 3 अंडे को पहले से तोड़ लिया है तो अब हम इसे डाल लेते हैं। अंडे को प्याज के साथ हमें खरड़ लेना है। अब हम यहाँ पर 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और उसके साथ 1/2 छोटी चम्मच जीरा भुना हुआ पाउडर, उसे डाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक भी ऐड कर लेते हैं उसके साथ और अब हम यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, उसे भी ऐड कर लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से खरड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अंडा भुर्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। अंडे भुर्जी में मैंने ज़्यादा प्याज ऐड नहीं किया है क्योंकि हम यहाँ पर चाउमीन में इसे ऐड करेंगे, इस अंडे भुर्जी को। अब हम इस अंडे भुर्जी को निकाल लेते हैं प्लेट पर। अंडा भुर्जी निकालने के बाद उसी कढ़ाई पर हम और 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाल लेते हैं और तेल को थोड़ा सा हमें गर्म करना है। तेल के गर्म होते ही हमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालना है और उसके साथ 3 हरी मिर्च को मैंने बीच से काट लिया है, उसे भी डाल लेते हैं। लहसुन और हरी मिर्च को 3 से 4 सेकेंड के लिए तेल में सौटे कर लेते हैं। 3 से 4 सेकेंड के बाद अब हम यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 2 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च को काट कर डाल लेना है। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च को लंबे शेप में काटा है, वो भी पतला पतला। तो आप जिस तरह चाहें शिमला मिर्च को और प्याज को काट सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च से ही चाउमीन जो है बनाने वाली हूँ। प्याज और शिमला मिर्च को हमें तेल में हल्का सा भून लेना है। अब हम यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच के करीब नमक ऐड कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम यहाँ पर 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाल लेते हैं। उसके साथ 1 चम्मच चिली सॉस भी हमें डालना है और 1 चम्मच सोया सॉस भी हमें डाल लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए वेजिटेबल्स को सॉस के साथ पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हमारा वेजिटेबल्स आप देख सकते हैं बिल्कुल नरम हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम यहाँ पर उबाला हुआ नूडल्स को यहाँ पर डाल लेते हैं। नूडल्स को वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। नूडल्स को फॉक के हेल्प से अच्छी तरह से वेजिटेबल के साथ मिक्स कर सकते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पर अंडा भुर्जी डाल लेते हैं, हमने पहले ही बना कर रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा भुना हुआ पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल लेते हैं। इससे हमारा चाउमीन का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। तो इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और सबसे आखिर में हरी धनिया की पत्ती को बारीक काट कर हम डाल लेते हैं ऊपर। स्टोव के लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है सारी चीज़ों को एक साथ, और 1 मिनट के बाद हमारा चाउमीन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा एक चाउमीन बिल्कुल अब बनकर तैयार है। अब हम स्टोव को ऑफ कर लेते हैं और इसे हम सर्विंग प्लेट पर निकाल लेते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारा एग चाउमीन बिल्कुल बनकर तैयार है। आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पर। बहुत ही सिंपल और मैंने इजी तरीका बताया है इसे बनाने का। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। चाउमीन को आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, और अगर हम घर पर बनाते हैं चाउमीन तो बहुत ही लाजवाब बनता है। तो फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।